हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टीडीप फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है सभी का चैनल दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ बात के में जीए जीए के में। के हम बात करें दोस्तों कोरोना की अपडेट को लेकर कोरोना पर जल्द फतेह पाएगा बात वहीं अगर बात करें लॉकडाउन थी पे के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी दोस्तों एडवाइजरी को लेकर हम बात करेंगे औद्योगिक गतिविधियों को लेकर भी हम बात करने वाले हैं साथ में हम बात करेंगे अच्छी खबर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कोरोना की वैक्सीन का दोस्तों सेफ्टी ट्रायल पूरा हो गया है अब मरीजों भी दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो होने वाला है वहीं अगर बात करें दुनिया भर में सबसे कम दर दोस्तों भारत के अंदर पाएगी कोरोना को लेकर जो कि दोस्तों एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है तो बन बाय बन सारी अपडेट को हम गर्व करते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले हम बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के दोस्तों एडवाइजरी के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि लॉकडाउन थ्री पॉइंट जीरो का दोस्तों चरण है वो शुरू होने वाला है कल से अब इसी चीज को लेकर दोस्तों मुख्यमंत्री लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की है मुख्यमंत्री लॉकडाउन थ्री पॉइंट जीरो को लेकर जैसा कि आपसे यहाँ देख से संचालित किए जाने वाले औद्योगिक धंधों तो दोस्तों का योजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए साथ ही दोस्तों अगर बात करें आज ही लॉकडाउन थ्री के दौरान औद्योगिक गतिविधियों का संचालन संबंध में एडवाइजरी जारी करने की भी दोस्तों यहाँ पे जो आदेश है वो दिए गए अभी थोड़ी देर में दोस्तों आपसे कुछ जो एडवाइजरी वो देखने के लिए मिल जाएगी और साथ दोस्तों ऐसी भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि रेड जोन के अंदर कुछ चीजें खुलेंगी लेकिन अगर बात की वहां पर सिर्फ जरूरत वाली जो चीज़ें वो खुलने वाली हैं और ग्रीन ऑरेंज में दोस्तों छूट है वो दी जा रही हैं वहीं दोस्तों को नीचे भी देखने के मिल जाएगा प्रवासी कामगारों के बारे में दोस्तों पर अपडेट की गई वही अगर बात करें स्वास्थ्य में पाए जाने वाले कामगार खाद्यान्न किट को लेकर यहाँ बात की बाकी दोस्तों आपसी के सामने सारा का सारा ये विवाह है जो कि दोस्तों तीन मई दो का है तो ये तो दोस्तों बात जो है एडवाइजरी के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लॉकडाउन थीम में संचालित किए जाने वाले औद्योगिक धंधों के लिए कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आज ही लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में नई अपनी दोस्तों एडवाइजरी यहां पर जारी की जाए मुख्यमंत्री जी आज ही दोस्तों अपने सरकारी आवास पर आहुत उच्च स्तरीय बैठक के अंदर लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने दोस्तों अवस्थापना एवं दोस्तों सौ औद्योगिक विकास आयुक्त को लेबर और रिफॉर्म का आयोजन बनाए जाने के संदर्भ में दोस्तों निर्देश भी दिए हैं तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में वहीं अगर बात करें दोस्तों कोरोना को लेकर कोरोना के इलाज में अगर बात करें एमडब्ल्यू वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल दोस्तों पूरा हो गया है अब चालीस मरीजों पर दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो होने वाला है जो कि एक अच्छी खबर दोस्तों आती हुई दिखाई दे रही है कोरोना वायरस खतरनाक प्रक्रिया पूरी दुनिया से जूझी जैसा कि आप सीखो पूरी दुनिया दोस्तों सौ परेशान इस चीज को लेकर में इसका से बढ़ता जा अच्छी ये है कि के महीजों के संभावित इलाज है एमडब्ल्यू वैक्सीन का सफलता जो टेस्ट पूरा हो चुका है अब एम हो साथ में पीजीआई चंडीगढ़ के मरीजों पर दोस्तों को लेकर अब तक कोई दवा सामने नहीं आई है चंडीगढ़ पी जी आई एम ई आर के दो सौ निदेशक जगत राम ने कहा है कि एमडब्ल्यू वैक्सीन दवा का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है लेकिन इसका वास्तविक परीक्षण पी जी आई चंडीगढ़ एम्स दिल्ली और साथ में एम्स भोपाल के अंदर चालीस रोगियों पर किया जाएगा बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से दो सौ एमडब्ल्यू वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की पी जी आई की एथिक्स दोस्तों जो कमेटी और मंजूरी दे दी गई है और इसी वैक्सीन का दोस्तों चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है बात का इसका, इसका इस्तेमाल दोस्तों टीबी और सेप्सिस जैसी बीमारियों के पहले दोस्तों सौ होता रहा है मगर कोरोना का इसका पहली बार इस्तेमाल होगा कोरोना के इलाज के दोस्तों चुनी गई एमडब्ल्यू वैक्सीन के असर दोस्तों जाँच के लिए पहले एम्स दिल्ली और साथ में भोपाल के पी जी आई मरीजों के ऊपर दोस्तों जुटाया ठायल होगा और उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिलता वो आप सभी को अपडेट दे दी जाएगी तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों आप सभी के सामने कोरोना को लेकर उसकी वैक्सीन के बारे में वहीं दोस्तों भारत के अंदर क्या स्थिति वो आप सभी के सामने उनतालीस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया कि पहले जो मामले डबल हुए थे कोरोना संक्रमण की जो संख्या देखने के लिए मिल रही थी वो डबल दो सौ दस दशमलव दस पाँच दिनों के अंदर देखने के लिए मिल रही थी लेकिन पिछले सात दिनों में दोस्तों इसमें बदलाव ये आया है कि ग्यारह दशमलव सात दिनों के अंदर दोस्तों कोरोना संक्रमित की संख्या जो है अब डबल हो रही है तो आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि लगातार दोस्तों आंकड़े जो है बढ़ते तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक राहत की खबर भी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है अब ऐसे में दोस्तों जैसा कि देश को बाढ़ दिया रेड ऑरेंज और ग्रीन के अंदर इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर दोस्तों जो रूल्स एंड रेगुलेशन

देशों को दो जो सप्लाई की गई है अब आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि सरकार लगातार दोस्तों जो कोशिश है वो भारत के अंदर भी की जा रही है और बाहर के लोगों की भी यहाँ पर दोस्तों लगातार जो मदद है वो की जा रही है और अगर सब कुछ ठीक है था, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सिंगापुर की रिपोर्ट आपसी को देखने के लिए मिली थी कि मई के अंदर दोस्तों जो भारत के अंदर नाइन्टी सिक्स परसेंट के आसपास आपसी को जो कोरोना वो खत्म हो जाएगा इक्कीस मई तक दोस्तों आपसी को जो इंतजार करना पड़ेगा ऐसे में लॉकडाउन अठारह तारीख तक बढ़ चुका है तो उम्मीद है ये दोस्तों आने वाले समय के अंदर भारत जल्द दोस्तों कोरोना के ऊपर फतेह पालेगा ऐसी उम्मीदें भी कैसी रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से गाइस इतना ही मिलता है अगली वीडियो में मिलते हैं टेक इट टाटा बाय एंड थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो